It's blue, it's green, red, yellow, dark, light, bright, as well as dull. ये कुछ जाने पहचाने से नाम लग रहे हैं, right? Hi everyone, I'm Rachna Masand, counseling psychologist and the MIT consultant. आज हम लोग बात करेंगे कलर्स के बारे में. Usually आपने सुना होगा कि someone says I'm feeling blue, you have a bright idea, are you so mad? You see red, I think ये कहना ठीक होगा कि colors are not just colors, they are something different, they are little bit more than their usual names, their usual visualization जो हम उसे देखते हैं. Like हमने red color देखा तो it's red, that is not enough, it is something more than that. And today we are going to discuss कि how colors can affect our mood, colors कैसे हम लोग को happy कर सकते हैं, colors कैसे हम लोग को sad कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो colors हमारी life में कर सकते हैं. Because colors help you learn and remember and it affects your awareness and even emotions. Colors alter the level of alertness मेजर बाय अल्फा ब्रेन वेव एक्टिविटी. एक्चुअली कलर्स हमारे ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करते हैं? कलर्स जो होते हैं जब उन्हें देखते हैं या उनके थ्रू किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे ब्रेन की अल्फा ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो ऑल्टर कर देते हैं. दे मेक चेंजेस इन आवर अल्फा ब्रेन. व्हेन कलर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आवर आईज इट डायरेक्टली गोज टू आवर हाइपोथैलेमस जिससे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी, हमारे मूड और हमारी मेंटल क्लैरिटी को अफेक्ट करते हैं. वो हमारे एनर्जी लेवल को चेंजेस करते हैं बिकॉज दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में रिएक्ट होता है. दैट इज़ द ओनली रीज़न कि बहुत ज़्यादा ठंड में वी फील लो एंड इवन ऑन सनी डेज वी फील हैप्पी एंड हायर विद एनर्जी लेवल्स. कलर्स हम लोगों को याद करने में भी हेल्प करते हैं. लाइक ब्लैक कलर से कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको हम डिफरेंट तरीके से याद कर सकते हैं. इवन जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं उसके बारे में तो वी रिकॉग्नाइज इट बाय कलर एंड इवन स्मेल आल्सो. बहुत सारी चीज़ें हैं बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कलर्स. तो कलर्स हमारी जो मूड को ऑल्टर करते हैं उस साइंस को अगर डिफाइन किया जाए टू ट्रीट समवन, to help someone to change their mental status, that is called chromotherapy. आज सिर्फ मैं चार कलर्स के बारे में बात करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि how color can change our mood. अब basic चार कलर्स होते हैं जिसे हम primary colors कहते हैं, red, blue, green and yellow. Red causes the heart to beat faster, makes you hungry and prompts to you to eat faster. Even red color is so dominating, उसकी wavelength इतनी हाई होगी बहुत दूर से हमें दिखाई देता है. That is the only reason जो भी चीज़ें prominently आपको show करनी होती हैं that is with red color. Even hospital, red lights, etc. Blue recedes, so objects are away farther away. Blue color के जो objects हैं वो हमें दूर दिखते हैं like sky. It is color of calmness और depression. Depression में भी we always say I am feeling blue, right? That means we are feeling dull or low at the energy level. Most police uniforms are blue, as in true blues. Green is most restful color for the eyes. जैसे green tea होती है, green atmosphere होता है, किसी natural habitat में आप चले जाओ तो लगता है ना सुकून आ गया, ठीक है? तो that is with green color. Green color हमारे brain को calm down करता है, रिलैक्स करता है. वो यूजली हम लोगों को रिलैक्सेशन में हेल्प करता है. येलो इज़ मोस्ट विजिबल कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिसे इसी वजह से यूजली विजिबिलिटी उसकी हाई होने की वजह से टैक्सीज में, स्कूल बसेस में आप येलो कलर की यूज़ करते हैं. बट फैशन सेंस में, अपेरल्स में यूजली हमने देखा होगा कि येलो कलर इज़ लेस यूज बिकॉज इट डायरेक्टली हिट आवर ब्रेन. बहुत ब्राइट होता है कि बहुत ब्राइट कलर पहन लिया, ठीक है? बट येस, दीज आर मेमोरी बूस्टर्स ऑल्सो. यू कैन यूज़ कलर्स
as mood elevators as well as to memory. So this is the importance of colors. I thought I must share with you. I'll come from with more some of the videos like this. Thank you so much. Please like, subscribe and share my channel if you like it useful.